हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके साथ खूबसूरत से व्यू के साथ। तो आप लोग देखिए, मैं आप रास्ते में चलते चलते यहाँ की लोकल चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ के जो लोगों ने पहाड़ों पे मकान बनाए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स और होटल्स बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कितने सुंदर सुंदर वो बने हुए हैं। और यहाँ के लोकल स्कूल्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं थी। हम लोग भी सारे गार्डन हम लोगों ने देखे। और कल तो गाइस मैं आई थी इसी रास्ते से, तो मैंने प्लम तोड़े भी थे, वो भी डर के मारे छुपके छुपके कि कोई देख ना ले, कि देख लेगा तो कोई पकड़ के पीट ना दे फालतू में। तो डर डर के मैंने वो कल तोड़े थे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि रास्ते में क्या क्या पड़ेगा। एप्पल गार्डन अगर पड़ता है इस रास्ते में तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और व्यू देखिए, यहाँ पे पता है मौसम का कुछ पता नहीं है कि कैसे मौसम में एकदम से चेंज होता है। आप एकदम से देखोगे धूप निकल आएगी, एकदम से उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे बारिश का मौसम हो जाता है। और बारिश भी कोई हल्की फुल्की नहीं होती है यहाँ पे, बहुत तेज़ एकदम, जो कहते हैं ना मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज़ होती है। उसमें आपको गाड़ी चलाना या बाइक स्कूटी राइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो मौसम साफ है। और एक बात बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत खास बात यह है कि जब यहाँ पे धूप निकलती है ना, तो इतनी सुंदर धूप निकलती है, एकदम खिली खिली। जैसे हमारे शहरों में क्या होता है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा वहाँ पर एक ही वाइब ज़्यादा खराब है, तो धूप भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, धूप भी ऐसी चुभने वाली होती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। धूप निकलती है, तेज़ निकलती है, एकदम कहते हैं चमकीली धूप, इतनी सुंदर धूप निकलती है और आपको इतनी अच्छी लगती है, एकदम क्लीन, एकदम क्लियर आपको नजर आता है। और देखिए, आप अभी देखिए बारिश का मौसम हुआ होगा, थोड़ा सा ऐसा होता, तो ये बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए। एकदम से मौसम ऐसा होता है कि पूरे में पहाड़ों में, पूरे जो खाई वाला एरिया है, पूरे में एकदम धुंध, कहते हैं ना फॉग हो जाती है, ऊपर तक एकदम आ जाती है कि आपको कुछ नज़र नहीं आता नीचे का, कि नीचे क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा गाइस डर भी बहुत लगता है देख के नीचे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आपको सब कुछ क्लियर चीज़ें तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ों में। एक अलग ही मज़ा है, अलग ही कहते हैं ना वाइब है, जो आपको बहुत एक पॉजिटिव फील देता है, पॉजिटिव वाइब से आपको फील होती है, इतनी फ्रेश आपको एयर मिलती है। और जो कल जिन ड्राइवर भैया के साथ हम लोग गए थे गाड़ी में, उन्होंने हमें यहाँ के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, उन्होंने बोला, उनसे कल बात हुई तो वो यही बोल रहे थे कि पहाड़ों में अगर कोई आदमी 6 महीना रह जाए, 6 महीना रहे तो उसे कैसी भी कोई भी बीमारी हो उसको, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत साफ़ है, बिल्कुल हवा पानी सब बहुत साफ होती है। और पहाड़ों का पानी आपको पता ही है कितना अच्छा होता है सेहत के लिए। तो उन्होंने उनसे यही बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मुझे, मैं बचपन में जब मैं छोटा था तो मुझे टाइफाइड बताया था डॉक्टर ने कि आपको ये है, आपको वो है, आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो उसने, तो उसके बाद वो यहाँ आ गए, उनका घर यहीं पे है, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ रहा, अब मुझे काफ़ी साल हो गए यहाँ आए हुए, 15-16 साल हो गए, और कोई टाइफाइड या कोई बीमारी मुझे नहीं पता कि मुझे है आज तक। तो कह रहे यही है कि यहाँ आओ पहाड़ों में तो अच्छे से अच्छा, कोई दमा का मरीज़ हो है ना, कोई अस्थमा का मरीज़ है, या कोई उसको कोई भी टीबी या कैंसर है, कुछ भी है, उसका कोई भी इलाज है, तो ठीक हो जाता है, आराम से यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये देखिए गाइस, पहाड़ों का नज़ारा देखिए, ये देखिए,
दिल्ली से हम लोग गए थे कैंची धाम, बाबा नील करोली धाम, और फिर हमने वहाँ दर्शन किए, वहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। और फिर उसके बाद हम लोग काठगोदाम आए, काठगोदाम से हम कैंची धाम गए। फिर कैंची धाम में कोई व्यवस्था नहीं थी रुकने की ठहरने की, तो फिर हम लोग वापस आए। एक ड्राइवर हमें अच्छा मिल गया था, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप आगे मत जाओ। एक्चुअली हमें जाना था मुक्तेश्वर, तो हम सोच रहे थे कैंची धाम से हम सीधा मुक्तेश्वर जाएंगे। तो मुक्तेश्वर जाने के लिए फिर उन्होंने, ड्राइवर ने बोला कि आप मुक्तेश्वर ना जाके आप सीधा काठगोदाम वापस चले जाओ, आपको सही पड़ेगा एकदम, क्योंकि कैंची क्या नाम है मुक्तेश्वर में रुकना आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप जाओगे और रात हो जाएगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है, तो आपके लिए सही नहीं रहेगा। और फालतू में वहाँ पे कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप रात को सिर्फ स्टे करोगे, फिर आप दिन में देखोगे, फिर आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो आप काठगोदाम पर वापस आओ, वहाँ से आप आ जाओ अपने होटल पे। तो हमने वही किया, तो हमें वो अच्छा लगा, हमारे हिसाब से हमारे लिए वो बिल्कुल सही था। बाकी जो आएगा वो अपने हिसाब से आएगा, आपके हिसाब से आओगे, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आओगे, आपको क्या सही है आपके लिए। तो फिर वहाँ से हम लोग मुक्तेश्वर से फिर हम कल आए वापस। फिर आज हम लोगों ने इसे स्कूटी राइड कर लिया। हम लोग आज हम आए हैं पहाड़ों की हवा खाने, अपने आप से कहीं भी रोक के अपने आप से रुकेंगे, दिखाते हैं। ट्रैफिक है गाइस यहाँ पे, ना ट्रैफिक बहुत जाम, बहुत जल्दी लगता है और इतना लंबा लगता है ना कि खुलने में घंटों घंटों हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे बस खड़ी है, तो ट्रैफिक हो गया क्योंकि टैंकर भी है ये दोनों। चलिए हम लोग ट्रैफिक से निकल गए हैं। गाइस एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग पहाड़ों पे आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ के रूल्स फॉलो ज़रूर करिएगा। पहाड़ों की एक खास बात होती है, पहाड़ों का रूल होता है कि आप जिस लेन में चल रहे हो आप उसी लेन में चलिएगा, ओवरटेक करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा किसी भी गाड़ी को, क्योंकि आप अगर ओवरटेक करेंगे तो आपकी जान को ही खतरा है, आप कभी भी खाई में जा सकते हैं। और देखिए गाइस बातें करते करते हम लोग पहुँच गए हैं भीमताल। अब हम यहाँ पर करेंगे बोटिंग, व्यूज देखिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए गाइस मैं आगे आपको बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक हो रहा है, गाड़ियाँ रुक नहीं रही हैं, तो मैं आपको जब बोटिंग करेंगे तब आपको दिखाऊंगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री राम, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।